नमस्ते, किचन क्वीन ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के बिस्किट, या आप इसे मिनी रोड्स भी बोल सकते हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। एक कप हमें चाहिए सूजी, या हमने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप मिक्सर से ग्राइंड करके ले सकते हो। हाफ कप हमें चाहिए चीनी, यहाँ इसके हमने पाउडर कर ली है। 1/4 कप हमें चाहिए मैदा, 1/4 कप घी, 1/4 कप मावा। अगर आपको मावा नहीं यूज़ करना हो तो घी आपको हाफ कप लेना पड़ेगा। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए गुलकंद, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यहाँ हमने कुछ पॉपी सीड्स लिए हैं, और दूध। सबसे पहले हमें यहाँ बाउल लेना है। बाउल में हम ऐड करेंगे घी, पाउडर शुगर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्रीमी टेक्सचर होने तक इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से अच्छे से हमने क्रीमी होने तक मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गुलकंद, मावा या खवा, रवा या सूजी, ये सब हमने छान लिया है अच्छे से, और मैदा, और इसी में हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर। अब हमें इसे अच्छे से पहले मसल लेना है। इस तरह हमने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। दूध हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और उसे मिक्स करते जाना है। तो इस तरह हमारा बिस्किट का आटा बनके रेडी हो चुका है। तो इतना आटा लगाने के लिए हमें 1/4 कप से कम दूध लगा है। यहाँ हमने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे नीचे। अगर आप बटर पेपर है आपके पास तो बटर पेपर भी लगा सकते हो। इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम बिस्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 चम्मच इसका बैटर लेना है, इसे गोल करना है इस तरह। बाद में जो पॉपी सीड्स है उसमें इसे थोड़ा सा प्रेस करना है ऊपर से, बस हल्के हाथ से इस तरह। इस तरह हमने सारे बिस्किट बना लिए हैं। अब हम इसे बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए आपको 180 डिग्री पे 20 मिनट इसे बेक करना है। अगर आप ये आपके पास OTG नहीं है, अगर आपको ये गैस पे बनाना हो तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो इससे पहले मैंने जो बोरबोन बिस्किट के केक की रेसिपी डाली थी तो उसमें मैंने बताया था कि इसे कैसे बेक करना है। तो उस तरह आप ये बिस्किट भी उसमें कढ़ाई में बेक कर सकते हो। अब आप मैं OTG में लगाऊंगी। तो मैंने OTG 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसे 20 मिनट के लिए मैं बेक करने लगाती हूँ। तो इस तरह हमारे सूजी के बिस्किट बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसे मिनी रोड्स भी बोल सकते हो। तो मैं आपको एक दिखा सकती हूँ, ये देखो कितने अच्छे से बेक हुआ है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितना क्रिस्पी बना है, ये देखिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।